अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहां के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने निर्वासित सरकार का गठन कर दिया। साले ने कहा कि वो इस निर्वासित सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। आधे मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। अफगान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने खुद की निर्वासित सरकार बनाई है। 1972 में जन्मे ताजिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले साले इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद है। साले ने एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देश में तालिबान सरकार का कोई वजूद नहीं है। साले ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे मुल्क पर इस वक्त बाहरी लोगों का कब्जा है। इस मामले में खास बात यह है कि एक बयान में साले के अलावा किसी और नेता या अफसर का नाम नहीं बताया गया जो कार्यवाहक सरकार का हिस्सा होगा। पंजशीर में तालिबान को चैलेंज करने वाले अहमद शाह मसूद का नाम भी कहीं नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।